हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको फॉर्मल पेंट की कटिंग सिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से एक सीधा मार्क लगा देना है, इस तरह से। अब यहाँ से हम लंबाई का मार्क लगाएंगे। पहले दोस्तों, ये हमारा नाप देख लीजिए, ये हमारे पेंट का नाप है। यहाँ से हमें लंबाई का मार्क लगाना है, प्लस हम इसमें 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि इसमें हमें तुरपाई करनी है। अगर चाहें तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। इस तरफ भी हम इस मार्क को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमें हिप का छोटा भाग प्लस उसमें 1 इंच ऐड करके जो निकलता है वो यहाँ पे लगा देना है। अगर 8 इंच निकलता है तो उसमें 1 इंच ऐड करके 9 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। नीचे वाले मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे, लंबाई का और मोहरी का मार्क को। दोस्तों, वीडियो पूरा देखना अगर सीखना है तो। ये हमारा मार्क सीधा हो गया। अब यहाँ से हमें लटक से लंबाई तक का सेंटर निकाल लेना है। ये हमने निकाल लिया है। ये हमारे घुटने का मार्क हो गया है, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों, हम यहाँ पर पहले 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे, फिर हमें जांघ का हाफ कर लेना है, चौथाई भाग, और उसका सेंटर निकाल लेना है। ये हमने जांघ का चौथाई भाग लगा दिया है और उसका हमें सेंटर निकालना है। सेंटर वाला मार्क हम सभी जगह कॉपी कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें मोहरी का हाफ करना है, 12 इंच मोहरी है तो हम दोनों तरफ 3-3 इंच लगा देंगे। उसी तरह हमें घुटने का भी हाफ करके दोनों तरफ लगा देना है, इस तरह से। अब दोस्तों, हम इसको शेप देंगे। नीचे की तरफ से हमें सीधा शेप ही देना है, इस तरह से दोनों तरफ सीधा शेप देना है। अब यहाँ पर दोस्तों राउंड वाला शेप देना है, यहाँ से दोनों तरफ राउंड वाला शेप देना है, इस तरह से। ये दोस्तों हमारा शेप हो गया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और सेंटर वाले मार्क को भी लगा देना है। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथाई भाग प्लस उसमें 1 इंच ऐड करना है। 1.5 इंच वाले मार्क से हम थोड़ा पीछे मार्क लगा के कमर का चौथाई भाग प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर लिया है हमने, और इसको भी हम शेप देते हुए सीधा कर लेंगे, इस तरह से मार्क को मिला लेना है। ये दोस्तों हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें इसको भी सीधा कर लेना है, इस वाले मार्क को। अब हमें जेब का मार्क लगाना है, 2.25 इंच हम मुँह रखेंगे और 7 इंच हम जेब की लंबाई रखेंगे। 1/2 इंच हम आगे की तरफ से फ्रंट को डाउन करेंगे, इसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये दोस्तों हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसको हम काट लेंगे। दोस्तों, हमने वीडियो थोड़ा फास्ट किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों, और भी कई तरह की कटिंग की और सिलाई की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहे तो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस तरह से हमें ड्राइंग के हिसाब से काट लेना है, यहाँ पर से भी। दोस्तों, ना समझ आए तो कमेंट कर देना, दूसरी वीडियो बना दूंगा। और भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी पेंट कटिंग की। ये हमने सभी जगह मार्क पे कट लगा देना है ताकि सिलाई करते टाइम कोई दिक्कत ना हो, फिर बाद में कट लगाना ना पड़े। दोस्तों, अब हम बैक की कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बचे हुए कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा देंगे। ये हमने कपड़े को बिछा दिया है। अब दोस्तों, इस पर हमें फ्रंट को बिछा लेना है। ये हमारा फ्रंट है।
इसको हम यहाँ इस तरफ से एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा हो चुका है। अब दोस्तों हमें मार्क को कॉपी कर लेना है। इस वाले मार्क को हम कॉपी कर लेंगे और इस वाले मार्क को भी हम कॉपी कर लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर 1 इंच पे मार्क लगाएंगे, यहाँ पर हम 1.25 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पर हमें 2.5 इंच रखना है। लेकिन पहले हम 1.5 इंच वाले मार्क को सीधा करके और फिर वहाँ पर हमें 2.5 इंच पे वाले मार्क 2.5 इंच पे मार्क लगा देना है। यहाँ से हमें कमर का चौथाई भाग प्लस 1 इंच पे मार्क लगाना है। ये हमारा कमर का चौथाई भाग प्लस 1 इंच हो गया। यहाँ पर दोस्तों हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमें फालतू रखना होता है। आप चाहे तो 2 इंच रख सकते हैं। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पर सेम उसी तरह हमें राउंड वाला शेप देना है और नीचे की तरफ से हम सीधा शेप देंगे। दोस्तों बहुत आसान तरीका है, अगर एक दो बार आपने देख लिया तो सीख जाओगे। यहाँ पर गोलाई देनी है इस तरह से। 1.5 इंच हम बैक को ऊपर उठाएंगे और इसको हम क्रॉस करते हुए फ्रंट से मिला लेंगे फ्रंट वाले मार्क से इस तरह से। ये दोस्तों हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसको भी हम काट लेंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल उसके साथ ही काटना है, एक्स्ट्रा नहीं रखना है। यहाँ से नीचे की तरफ से भी हमें इसके साथ ही काटना है। अब यहाँ से दोस्तों हमें मार्क के हिसाब से काटना है जो हमने मार्क लगाया है उसकी तरफ से। इस तरह से हमें मार्क पर ही कटिंग करनी है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर 2.5 इंच वाले मार्क पे एक कट लगा देना है और यहाँ से हमें इस तरह से सेंटर निकाल लेना है मार्क पे रख के। ये हमारा सेंटर निकल गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।